नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बना पाया था, क्योंकि हम सुबह गए थे अपनी दवा लेने के लिए, इसलिए नहीं बना पाया था। और भी आप लोगों के लिए करीब 15 दिन से हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए हम आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। जो पहले ब्लॉग डाला था, हमारी कमर से लेके पैरों में दर्द रहता है, उसी को लेकर हम बहुत परेशान थे, इसलिए हमारा मन नहीं लगा है ब्लॉग बनाने में। तो वहाँ से दवा ले आए, उस दवा से थोड़ी आराम मिली, तो आज आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दिया है हमने। इधर देखो, पता नहीं शालिनी का पीछनो कर रही थी, शालिनी कर रहे थे बेचारे, खाना टाइम है, खाना बनाए नहीं। शालिनी के पे भी आप लोगों ने कमेंट की थी कि सुलेखा भाभी ब्लॉग नहीं डाल रही, रेखा भाभी भी नहीं डाल रही है, और सभी लोग बोल रहे थे, इंतजार कर रहे थे आप लोग। हमने बोल दिया था, अभी आप लोगों को बताया था कि हम पैरों से बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, इसीलिए कोई भी ब्लॉग नहीं डालती थी। हमने बता दी थी दीदी की तबीयत खराब है, इसलिए विश्वास नहीं कर रहे आज थे सब। इतनी आराम भाई है, हम दवा वहाँ से ले आए थे, दवा खाई, आराम हो गई है, अब चलने फिरने लगे हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। हम तो छत पे भी नहीं आ पा रहे थे, चढ़ के वही रूम में बैठे रहते थे, तो इसीलिए हम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बनाया था। आप लोग उनको अपनी दीदी से मिलवाए थे, अब दीदी खाना बनाने की तैयारी में लगी है। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। दीदी शाम वाले खाना की तैयारी में लगी है। अब बोलो दीदी, तुम सारे फैंस लोग परेशान है, ब्लॉग नहीं देख रही, आप नहीं डाल पाए रही है, हम नहीं डाल पाए ना, हम काम में थोड़े बिजी रात, बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो खाना पीना बनाना चाहिए, और सुलेखा बेचारी चल नहीं पाते एकदम, पता नहीं अचानक चलने में, आज तुम चली जाए सुलेखा इतनी वैसे छत ही नहीं चल, रूम में बैठे 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 परेशान हो गए हैं हम तो, बिल्कुल इधर उधर कहीं जा ही नहीं पाते, ताई की वजह से हमारा बिल्कुल मन ही नहीं लगा तो कि हम ब्लॉग कैसे बना, का करें, का बताएं, मन दास और नहीं लग रहा, तो अचानक हम बीमार बने रहे एकदम, अब सुलेखा का अचानक ही दर्द होने लगो, तो और मन वैसे हो रहा जा सोचे तो का करे का ना करे, कभी समझ ही नहीं आ रहा, तो का की वजह से और नहीं ब्लॉग डाल पाया, नहीं थोड़े बिजी बने रहे काम में, बस जब अच्छा लगा था वीडियो वीडियो बनाने में, जब सभी लोग घर पे अच्छे हुए, पहले दीदी परेशान थी, पहले दीदी बीमार रह गई, उसके बाद में फिर अचानक हमारे पैरों से लेके कमर से दर्द होने लगो, पता नहीं फिर तो हम चली फिर नहीं पाए बिल्कुल, तो सब लोग घर में अच्छे से रहते हैं, फैमिली में हंसते खेलते था, बिल्कुल अच्छा लगा था भाई, तो आप लोग खुद ही जाना तो सुलेखा कितनी दिक्कत है जाता है, वीडियो वगैरह पहले के डले हैं, आप लोग जाने तो हम लोग सेफ ही गए, दो बार जा चुके, आज तिवारा गए थे तीसरी बार, अब देखो फिर आप जांच बोली ना डॉक्टर ने, बोल रहे थे एमआई जांच होने के लिए सुलेखा की, उसमें पता लग जाए का समस्या, तो उनने दवा दे दी भाई, दवाई से हमें राहत हो गई, लग गई तो हमने पहले दिन दवा दे दी है, बस इन्हें आराम मिली है, अब दर्द में आराम है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है अंदर से, तो हमने कही आज ब्लॉग बना दे, काफी दिन हो गए हैं। इधर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यश दरश आयुष इधर खाना खा रहा है, आरजू कहाँ गई, क्या आयुष आरजू खेलने निकल गई, दरश तो मैं ऐसे लिखा था लेट लेट गए, अच्छे से लगो स्कूल में मेज है, ये मेज नहीं है, ता में दरस थक जाता है, का लिख रहे दरस, फिराते हैं वे दरस को, फिराने वाला काम मिला था इसी के ऊपर, फिराए रहे दरस, और हाँ का बोल रहे दरस, मैं बड़ा आ रहा हूँ तब मुझे नहीं मिलेगा, हाँ तब कठिन कठिन, हाँ तब कठिन मिले, और इधर यश का कर रहे तुम कलर, अच्छा इधर यश के पापा मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं, थोड़े हंसते तो थे काफी दिनों बाद ब्लॉग बनाओ है तुम, सब लोग परेशान है, बता दो तुम ब्लॉग तो मुंह नहीं डालो, मुंह नहीं डालो, सब लोग परेशान है, छोड़ो मन अच्छा करने के लिए, इधर साइड में लूडे में थोड़े बिजी हो गए,
तबीयत तो ठीक नहीं होती इसीलिए नहीं डालो तो ब्लॉग। हमने तो कही थी तुम अपने बना लो, फिर इन्हें नहीं अच्छे लोग ये बोले कि अब तुम सही हो जाए तभी डालेंगे। कुछ लोग तो जा बोले गए कि हमारो तुम्हारो झगड़ा है गए हमेशा झगड़ा थोड़े ही होता है। नहीं बोले थे कछु फैंस लोग कि अगर झगड़ा चल रो है कि भाभी को भैया को झगड़ा है गो और रेखा भाभी को झगड़ा है गो। हमने ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फैमिली में छोटी मोटी बातें अगर हो भी जाती हैं तो पता 24 घंटे के अंदर सुबह सभी एक दूसरे से तो आलो बोलन लगे। जैसे मेरा झगड़ा इनते हो ही जाए तो हम तो इनते आलो बोलन लगे जे ही नहीं बोलन सही कहा था। अब तो लूडो बंद कर दो, थोड़ी देर बातें कर ली। पूरा खेल जान दे, हार गए हारना हमें पसंद नहीं। क्या कहा था लूडो पूरा खेल लें दे हार जाइए हम। और इधर हमारे शिव जी काफी दिनों के बाद आप लोग इनको दर्शन करवा रहे हम। इधर आरजू की देखो डांट होने लगी, वो भाग गई। देखो पढ़ने लिखने में वो बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, सभी बच्चे पढ़ रहे थे आराम से लेकिन आरजू निकल जाती है खेलने के लिए, उस दीदी उसको डांट रही है। तो तुमको पकड़ा है ना आरजू, डांट नहीं हुई है ना, जा बताओ लकड़ी किनारा रख। तुम पहले इधर बोलो, लकड़ी जा बताओ। तुम खेलने निकल गई और भाई सब लोग पढ़ रहे थे, तुम कहीं नहीं पढ़ी जा बताओ। हाय बोलो पहले, हाय बोलो, हाय करो, नमस्ते करो, करो करो मार पिटन थोड़ी नहीं दिए तभी तो भाग गए। पढ़ो करो ठीक है भाई, सब लोग पढ़ रहे थे खेल भी एक टाइम खेलो करो, अपनो काम कर लो करो स्कूल को मरो फिर उसके बाद में खेलो करो है ठीक। अब तुमने सबके सामने बोल दी हम वीडियो बनाओ कर रहे हैं, जब भी तुम नहीं लिखो पढ़ो कर ठीक। गाइस देखिए मम्मी और रेखा मौसी देखो साथ में खाना बना रही है। जय माता दी, जय अच्छे से बिछाना नहीं कर पाओ, नींद पहले आई है। बच्चे नहीं सोए, रात के 8 बज रहे हैं भाई, ऐसे हमारे झगड़ो बताओ जिन्हें नींद आएगी, नींद आएगी तो झूठी करेंगे क्या ही है। देख ले मौसी देख ले सोए गए 8 बजे, कब तक हम सोते रहे, कभी तुम 12 बजे तो पहले सोते नहीं थे, अंत में नींद आएगी जब कोई आ रहा था। मोबाइल मतलब टाइम गलत है, सही है हमारे मोबाइल में टाइम गलत है लेकिन सही है। तुम्हें नींद नहीं आई है बताओ, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही दरअस हमारे साथ में नींद आएगी देखो दरअस नींद नहीं आई। तुम देख लो पापा मजा आई हो, पापा मोबाइल में बिजी है तो जे 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 पापा के ढंगा बिजी हो ये जे जो मजा आएगा पर तैयार लगा पापा मजा आएगी पता नहीं कब मजा आएगी बताओ, अम्मा पूछ रही बता काय मजा आई। अब देख ले चुप रहेगा, हां मजा आती है मोबाइल कल पिक्चर की बात काय कर रहे दिवाली काय पटाखा मंगाएवे की। अच्छा अच्छा
नहीं गर्मी लग रही जाकर गर्मी है यहाँ। कितने दिनों बाद व्लॉग बनाओ आज कितने 15 दिन हो गए 15 दिन आप ज्यादा हो गए हैं व्लॉग नहीं बन पाओ। हाँ ज्यादा हो गए हैं तबीयत ही नहीं सही रही आज का बन रहा है बुखार आ लो अब बुखार सही नहीं है पाओ भर के कमर कहते हैं इनके हाथ पाए जाम से हो गए उठो बैठ नहीं पाते थे आज इतने चले तो अच्छे दम लग रहे हो वैसे यही बैठ बैठे बैठे यही कमरा में वैसे और बने रहते बड़बड़ा रात के चलो नहीं पाते जाची अपने गाँव तो साधन है डॉक्टर है वे इंजेक्शन लगा दे तो बनता है आराम मिल जाते लगभग मैं 2.5 साल है भाई जाती है 2.5 साल है वो इंजेक्शन लग गया तो 4 महीना का हो या 5 महीना भाई था 3 महीना अब भाई तथा हो गया था हमने एक चेकअप करवाई ली तो सही रहे पता चले गए थे हॉस्पिटल में दवा दे दी जा कोई तो ले दवा होंगे भाई से आराम हो गए तभी तो दर्द मारा मैं भी तभी चलन फिरन लगे अब जा कोई जाँच हो गई बाकी तो दिक्कत नहीं जाँच के लिए 2-3 दिन भाई तब नहीं है भाई क्या है रिपोर्ट नहीं भैया है भाई परेशान लगी आज वीडियो अब की बार तो हम मंदिर को भी नहीं जा पाए थे जो हमारे गांव में मंदिर है तो हमने ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दो घर पे पूजा कर ली थी हमने मम्मी गई थी हमारे मंदिर पे और हम गए मंदिर पे दवाई ली और लोग गए सालनी गई सब मंदिर गए का तुम्हें बताए अब फाटक लगे माता रानी बताओ दरबार खुलो वो सही है हाँ कबू नहीं बंद होता है तो ताल करो तुम बताए जे 4 बजे से जे गेट बंद करते जे नहीं जा तुम वहाँ पे चढ़ा देती है सर्व तरफ वगैरह तो हम चिटी टी हो जाती है हमारा तभी भी एक बार कह रहे तो बाहर से ही पूजा करिए तभी भी गेट बंद कर रहे हाँ तो वही गेट ही वही माता रानी सारा काम मम्मी को नींद आने लगी पूरी टाइम है वो है और का बज गए हुए हैं था 8-9 बज गए हाँ सही 9 बज रहे हैं सही है बच्चा लोग सब लोग सोइए मुँह पर बैठो जाए तो वो लोग सो गया हम लोग जगह पे सब लोग सोए रहे देखा दीदी बात कर रही और मम्मी देखो हूँ तो निकल आई जे बैठी है चिंता कर रही मम्मी को मम्मी हाँ फिर वीडियो बना रही थी भाई वीडियो आए थे हाँ बढ़िया है सब लगा जब लगी वो गरीब घर अच्छा क्या ढोलक बज रही मंदिर पर हाँ ढोलक बज रही है मंदिर पर पता है हम लोग दवाई खाते हैं कि ताकि वजह से हमने दवाई तो नहीं आ पाए हमने कहीं अब सही हो जाए तब आई वही है यहाँ का ही वजह से नहीं आए हमको और सही है तो पापा सही है हाँ आए तेरा बात ही आराम है कई जांच बताई है हमारी जांच नहीं सो जांच हुई है अब जांच भाई नहीं है बुला हुआ दोबारा सब बार दवाई तो जा है पी रही सही सद गई सही चलन फिरन लग रही आज तो खुद नहीं आराम है बुलाओ
सोमवार को आया रिपोर्ट ब्लड ब्लड चेक हो ब्लड चेक का बहुत हो गया जांच है नहीं आई तो गए थे आज सैंपल लेकर वो दिखाना अब रिपोर्ट आई है तब पता लगे वो मम्मा समस्या है बाकी बाद एम आई आर चेक हो गया दरस बेटा हमारा जाग गया है कहाँ है दरस होती करे चला दरस को सूसू लगी दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।